की मिल्खा शर्मा जाए। पार्टी वाला जोकर हूँ। ओह नो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वैसे तुम डर रहे हो कि डरा रहे हो? आ जाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे। हेलो दोस्त, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि आप इतने लेट हो गए। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं लेट नहीं हूँ। आप टाइम देखिए ना, आपने कहा था 12 बजे से पहले। ऐसा क्या, तो अब तुम लेट हो गए क्या? वैसे कहाँ मर गए थे? अरे पूछो मत यार, पार्टी खत्म हो गई। और ये क्या है? ओ ये रहा आपका हैप्पी बर्थडे केक। और ये गिलहरी, ये हमारी तरफ से फ्री। मैंने बहुत कोशिश की केक को सही सलामत लाने की, लेकिन हुआ ये कि थोड़ी सी चोट मुझे भी लग गई है। कुछ दिख रहा है? सोना डार्लिंग, एक तो ये जोकर 1 घंटा लेट आया है, ऊपर से केक का हलवा बना के लाया है। इसकी वजह से हमारे बेटे की पार्टी फ्लॉप हो गई है। अगर दोबारा ऐसी हरकत करो तो बेकार के बहाने मत बनाना, तुम अपनी गलती मान लेना। एक मिनट, मैं बहाना नहीं बना रहा। सर मैं सुबह देर से उठा और घोचू की तरह आपके केक पे गिर गया। बहाना नहीं था, मैं डूबते डूबते बच गया। कान खोल के सुन लो, इस केक के पैसे तुम दोगे। क्या कहा, पैसे मैं दूंगा? तो और कौन देगा? आपको शायद अच्छा ना लगे, पर जब आपने इतना अच्छा आइडिया दे ही दिया है तो मेरा भी एक आइडिया सुन लीजिए। ये बिल मुझ पर फटे इससे पहले क्यों ना ये केक आपके ऊपर फटे। और भी बहाने सुनने तो सुनो, पागलों की तरह भागते हुए मैं किसी तरह से लेकर आया हूँ ये शुगर फ्री केक। मतलब क्या होता है ये शुगर फ्री केक और कौन खाता ये सब? अपनी बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। इतनी जल्दी घर आए मेहमान को केक नहीं खिलाओगे? ये तो बढ़िया है यार, आप भी खाइए, अब मैं घर समझिए। इनका थोबड़ा है तो प्लेट की क्या जरूरत है? ओ, एक और बात तो मैं भूल ही गया, मुझे पूछना था कि आपको हमारी सेवा कैसी लगी इससे पहले कि मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ। क्या देंगे आप मुझे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार? और भूलिए घर, केक के साथ गैलरी फ्री थी तो वो भी याद रखा। मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। बधाई हो, लड़का हुआ है। Oh,
जज साहब, हर माँ बाप का अपने होने वाले बच्चे के लिए एक सपना होता है कि वो उसे दुनिया की हर बुरी चीज से बचा सकें। ऐसा ही सपना हमारा भी था। जब वो अंडे से बाहर आए, हर तरफ रंग बिरंगे फूल हो, दुनिया में सबसे पहले प्यार भरे चेहरे जो वो देखे वो हो उसकी मम्मी का और उसके डैडी का, पर हमसे वो सपना छीन लिया गया। मैम, मैं भी नहीं चाहता था कि आपका बच्चा सबसे पहला चेहरा मेरा देखे, पर और वैसे भी ये क्या फिजूल की बातें हैं, उसे तो याद भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। नहीं, 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 नहीं। चुप कर, शांत हो जा। दोस्तों, क्या मैंने अपना काम ढंग से किया? जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो तो एक टॉप क्लास केक था जिसे मैंने अपनी जान पर खेल कर डिलीवर किया ऑन टाइम, पर इन्होंने उसे चखा तक नहीं। देखो रेड्डी बेटा, हम खुश मिजाज और शांति प्रिय पंछी हैं। जहाँ बाज इगल पापा की छत्र छाया में हम काम करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, बिना लड़ाई झगड़े मिलजुल के एक परिवार की तरह रहते हैं। लगता है अब ये जज साहब संस्कारी लेक्चर देने वाले हैं। वो जोक सुनाए कि नहीं बाबा, कि पंछी उड़ क्यों नहीं सकते? मैं बताता हूँ, नी जीना यहाँ मरना यहाँ, उड़ के भी हम जाएंगे कहाँ। क्या बकवास जोक था। अब सवाल ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का क्या करूं? क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुस्सा। गुस्सा और मुझे, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गुस्सा जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो जानते हो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? नहीं, पर आप तो मुझे बताकर ही छोड़ेंगे ना? उसका खात्मा कर देना चाहिए। ओह माय गॉड की कसम। रेड बेटा, जब तुमने अपना घर गांव से दूर समंदर किनारे बनाया, क्या किसी ने तुम्हें रोका? तुम्हें देखकर पंछी मुस्कुराते जरूर होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। अच्छा देखिए, मुझे जरा एक बात बताइए, आपको पता है ना कि आपके इस लंबे कोट के पीछे आपकी सच्चाई नहीं छिपती? आपके ऊंचे कद से जो उच्च विचार निकलते हैं जज साहब, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितना छोटा है। अरे चिड़िया हो गया क्या? देखा वो तेरी तो। डैडी। मिस्टर रेड, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ा, इतने संगीन जुर्म के लिए तुम्हें इस आइलैंड की सबसे सख्त सजा सुनाई जाती है, गुस्सा मैनेजमेंट क्लास। लग गई बाट। ले लो अर्ली बर्ड वॉर्म्स के ताजा ताजा कीड़े। क्या रेड, कैसा है यार? ओ, मैं बहुत बुरा हूँ। हाय रेड, बहुत अच्छे लग रहे हो। कोशिश करोगी तो तुम भी अच्छे लगोगी। छलांग लगाओ। थैंक यू। चलो आ जाओ। कैसी हो सूजी, ठीक तो हो ना? भागो मत, आराम से। ओ फिर से? हाय, कितनी जल्दी बड़ी हो रही है बच्चा पार्टी। हद है, फैमिली प्लानिंग के बारे में कभी सुना है?